चित्रकूट से एक खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तान के कराची से चलकर दो हिंदू परिवार चित्रकूट पहुंचे हैं। वहीं पाकिस्तान में आर्थिक तंगी से परेशान होकर दो हिंदू परिवारों ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। वहीं पाकिस्तान से चलकर आए हिंदू परिवार ने पाकिस्तान के हालात सुनाए और साथ में आप बीती बताई। वहीं पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है। दिल्ली के भाटी माइन से पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम परिवार को चित्रकूट के समाज सेवी ने शरण दी है। वहीं LIU और चित्रकूट पुलिस को पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार की जानकारी नहीं है, लेकिन वीजा खत्म होने पर पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार ने दिल्ली MBC में वीजा बढ़ाने की एप्लीकेशन दी है। वहीं SP वृंदा शुक्ला ने बताया कि संग्रामपुर गांव के पंचायत भवन में रखवा दिया गया है। वहीं सारी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। दो परिवारों के 15 सदस्य पाकिस्तानी है। सीतापुर चौकी क्षेत्र के संग्रामपुर गाँव का मामला बताया जा रहा है। कौन सा बताइए? मेरा नाम अक्षय कुमारी है। वहाँ कोई डर नहीं था। कहाँ से आई आप? मैं पाकिस्तान से आई। रिंकू कहाँ है? वहाँ में कोई डर नहीं था। वहाँ बस महंगाई की वजह से महंगाई ज्यादा हो गई थी, और ये मीडिया में आप लोग देखते थे पाकिस्तान में आजकल महंगाई ज्यादा हो गई है। महंगाई ज्यादा हो गई और सैलरी भी कम थी। एक मिडिल क्लास इंसान जो है ना, वो मतलब अपना गुजारा नहीं करता। बाकी जो हमारे जो बच्चे हैं उनका हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए आए कि मतलब अपने लोग ही अपना देश है, यहाँ पे रहेंगे तो। कब आप लोगों ने निर्णय लिया था, कब आपको फील होने लगा कि अब यहाँ रहने लायक है? महीने पहले। कब आप लोग यहाँ आए? तो यहाँ की सरकार से क्या बीजेपी खत्म होगा, किस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया का विवाद या हमेशा चर्चा में रहता है, तो कितना आपको क्या फील हो रहा है यहाँ पे और क्या सरकार का रोल? हम सरकार से यही अपील करेंगे कि हमें नागरिकता और आधार कार्ड वगैरह ताकि हम आगे कुछ कर पाए। आप लोग कब चली थी वहाँ से और कैसे कैसे किन रास्तों से आई? कैसे कराची में रहते थे, कराची में हमने पासपोर्ट बनवाए वहाँ से, फिर हमने वीज़ा डलवाया सफर से। फिर सफर से हम लोग रोहित स्टेशन से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी है, हम लाहौर तक पहुँचे। लाहौर से फिर वापस क्रॉस करें हमने, फिर वहाँ से हम डेली से यहाँ पे यहाँ का पता चला फ्लैट वगैरह में चेक करके हमने देखा, तो फिर हमने यहाँ पे पार्किंग करा। यहाँ पे कहाँ रह रही हैं? चित्रकूट पे आते हैं, कहाँ रह रही हैं? तो क्या लगता है यहाँ इंडिया में ये सेफ है? इंडिया सेफ आप लोग को यहाँ रोजगार मिलेगा? पाकिस्तान में पढ़ाई करती थी? जी। किस क्लास में थी? मैंने इंटर किया हुआ था, इंटर मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने BA की एडमिशन ले ली है वहाँ पर, और अभी अगस्त में एग्जाम्स होने वाले हैं और मैं यहाँ आ गई। कल 4 अगस्त 2023 को जनपद चित्रकूट में 15 पाकिस्तानी नागरिकों का ट्रेन से आगमन हुआ, जो कि दिल्ली से आए हैं, और इनके द्वारा बताया गया है कि ये सभी हिंदू धर्म के हैं और कुछ स्थानीय अखाड़ों की मदद से यहाँ पहुँचे हैं काम की तलाश में और रहने के स्थान की तलाश में। इनमें से ये दो परिवारों के सदस्य हैं, जिसमें से एक ग्रुप का आगमन पिछले साल अक्टूबर में भारत में हुआ था और दूसरे ग्रुप का इस वर्ष मई में हुआ है। एक ग्रुप का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है एवं दूसरे का भी जल्द ही होने वाला है। इनके द्वारा कहा गया है कि इन्होंने भारत में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आवेदन दिया है, परंतु अभी इनके पास किसी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अभाव में इनके द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं उन सभी पर गहनता से जांच की जा रही है। इनकी सूचना FRRO लखनऊ को भी आवश्यक मार्गदर्शन हेतु भेजी गई है। तब तक के लिए इनको पंचायत भवन संग्रामपुर में ठहराया गया है।